हेलो फ्रेंड्स, आज हम नींबू मिर्ची का चटपटा अचार बनाएंगे। इस अचार को आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। जब आप इसे बनाकर परोसोगे तो सिंपल से खाने का स्वाद भी दोगुना हो जाएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम हरी मिर्ची ली है। ये मोटी और लंबी वाली मिर्ची है जो थोड़ी कम तीखी होती है। मिर्ची को धोकर साफ़ करने के बाद इसे कपड़े से अच्छे से सुखा लें। इसके साथ ही यहाँ पे 8 से 10 नींबू ले लेंगे। वजन में नापेंगे तो ये करीब 125 ग्राम है। नींबू को भी धोकर अच्छे से सुखा लें। मसालों में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 2 बड़े चम्मच राई का कुरिया या पीली सरसों लेंगे, 1.5 छोटा चम्मच जीरा, 1.5 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1.5 छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और 1 पिंच हींग लेंगे। सबसे पहले मिर्ची को काट कर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मिर्ची की डंठल को पहले अलग कर लें, फिर इसके बीच में से इस तरीके से चीरा लगाकर इसे 4 भागों में काट कर तैयार कर लें। दूसरा तरीका यह है कि मिर्ची के डंठल को अलग निकाल लेने के बाद इसे बीच में से चीरा लगा लें और इसे सिर्फ 2 हिस्सों में रहने दें। यदि मिर्ची ज़्यादा बड़ी हो तो आप बीच में से चीरा लगा लेने के बाद इसे 2 हिस्सों में काट कर छोटा कर लें। यहाँ पर आप मिर्ची को अपनी पसंद से छोटा या बड़ा काट कर तैयार कर सकते हैं। मिर्ची को काट लेने के बाद अब हम नींबू को भी 4 हिस्सों में काट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ और जो भी बर्तन आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सूखे होने चाहिए। इसमें पानी की नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। नींबू को मैंने 4 हिस्सों में काट कर तैयार कर लिया है। एक नींबू को हम बचा के रखेंगे, इसका रस हम आखिरी में इसमें ऐड करेंगे। मिर्ची और नींबू को काट लेने के बाद अब हम दोनों को मिलाकर एक कर लेते हैं। अब इसमें हम 1.5 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें करीब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने में आप चम्मच का इस्तेमाल करें, अब इसमें हाथों का इस्तेमाल ना करें। नमक और हल्दी को मिर्ची और नींबू में अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसे कवर करके करीब 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक के लिए हम मसालों को भूनकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में गर्म कर लें। कढ़ाई जब हल्की गर्म हो जाए इसमें 1.5 छोटा चम्मच जीरा और 1.5 छोटा चम्मच सौंफ ऐड करें। अब इसे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम में कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। मसालों को हमें हल्की खुशबू आते तक के ही सेकना है। इसे बहुत ज़्यादा सेक कर इसका कलर चेंज नहीं करना है। करीब आधा एक मिनट स्लो फ्लेम में सेक लेने के बाद मसालों में से हल्की खुशबू आने लगी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और 2 बड़े चम्मच राई का कुरिया ऐड करेंगे और इसे करीब 15-20 सेकंड के लिए सेक लेंगे। यहाँ पर आप राई का कुरिया या पीली सरसों को डायरेक्ट अचार में ऐड कर सकते हैं, इसे सेकने की ज़रूरत नहीं है। करीब 15-20 सेकंड हो चुके हैं, मसाले अब हल्के गर्म हो गए हैं। इसे हमें बस हल्का गर्म करना है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। मसालों को मैंने हल्का सेक कर इसे तैयार कर लिया है। अब इसे हम दरदरा कूट लेते हैं। इसके लिए आप सिलबट्टे में या फिर हमाम दस्ते में इसे दरदरा कूट कर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मसालों को पीसकर इसका महीन पाउडर नहीं बनाना है, इसे बस दरदरा कूटना है। इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। मसालों को दरदरा पीस लेने के बाद अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ नींबू और मिर्ची को भी रखे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें से नमक का पानी अलग होने लगा है। अब इसमें हम दरदरा पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। यहाँ पर हींग ज़रूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही जो नींबू हमने पहले बचा के रखे थे उसे काट कर इसका रस इसमें ऐड कर लेते हैं।
अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। हींग और नींबू का रस ऐड कर लेने के बाद अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मसालों को नींबू मिर्ची में अच्छे से मिला लेने के बाद अब हमारा खट्टा और चटपटा नींबू मिर्ची का अचार बनकर तैयार है। इस अचार को आप महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसे नमी और अनाज से दूर रखें। इसमें आप हाथों का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप कोई चम्मच इसमें डाल रहे हो तो वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। इसे आप कांच की सूखी भरनी में भर कर रखें। इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।